राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10 और 11 नवंबर को मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति भोपाल में सद्गुरु कबीर महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक। 11 नवंबर को राष्ट्रपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय परिसर के आसपास धरना प्रदर्शन किया गया निषेध। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश। समीक्षा के दौरान मंत्री श्री आर्य ने बैकलॉग पदों पर जल्द भर्ती करने और जाति प्रमाण पत्रों के लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम तथा क्लस्टर बेस्ड हब एंड स्पोक अर्बन मॉडल को विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तेलंगाना के आईटी एवं नगरीय विकास मंत्री केटी रामाराव ने मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह को प्रदान किए पुरस्कार। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। सोमवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार। कांग्रेस की तरफ से भी दिग्गज नेताओं ने किया प्रचार। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 9 नवंबर को होगा मतदान। स्कूल शिक्षा पर नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया शुभारंभ। कहा, देश के सभी स्कूलों में चलेगा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। आठ नवंबर को विमुद्रीकरण के एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी मनाएगी कालाधन विरोधी दिवस। प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। विमुद्रीकरण और कालेधन पर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की देंगे जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। गुरुवार से होगी शुरुआत। अमेरिका यात्रा से पहले मुख्यमंत्री ने ग्वालियर और चंबल संभाग के विधायकों से चर्चा कर कामकाज सुधारने और क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के दिए थे निर्देश। राजधानी भोपाल में डेंगू से प्रभावित मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किए विशेष इंतजाम। भोपाल में अब तक डेंगू से 758 मरीजों की हुई थी पुष्टि। चिकनगुनिया के भी 346 मरीजों की हुई पुष्टि। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के कार्डजू और जेपी अस्पताल में सुनी मरीजों की समस्याएं। मरीजों की शिकायतों पर वार्ड और शौचालयों में साफ सफाई और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के दिए निर्देश। मंत्री ने जेपी अस्पताल के न्यूरोलॉजी और चर्म रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना पर गौर करने का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत में गलत टीप अंकित करने पर मिसरौद स्थित प्रबंधक के विरुद्ध की कार्रवाई। प्रबंधक के खिलाफ आरोप पत्र किया जारी। विद्युत मीटर खराब होने की शिकायत पर की गई कार्रवाई। भोपाल के नबीबाग स्थित कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संपन्न। 8 देशों के प्रतिनिधियों ने सीखी आधुनिक कृषि की तकनीकी बारीकियां। एशिया कप जीतने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर हॉकी फेडरेशन और टीम के समर्थकों ने खिलाड़ियों को पहनाई फूलमाला। फाइनल में चीन को हराकर एशिया कप की विजेता बनी है भारतीय महिला हॉकी टीम। अब तक 13 करोड़ 28 लाख से अधिक पैन नंबरों को आधार से किया गया लिंक। सरकार ने 1 जुलाई से पैन और आधार को इंटरलिंक करना किया अनिवार्य। पैन और आधार को इंटरलिंक करने से भ्रष्टाचार और काले धन पर लगी है सख्ती। अमेरिका के दक्षिण टेक्सास स्थित एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान बंदूकधारी ने की फायरिंग। 26 लोगों की हुई मौत, अनेक घायल। राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। और 3 सबसे गर्म सालों में शामिल होगा साल 2017। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दी गई जानकारी। 2015 और 2016 में अल नीनो के चलते बढ़ा था वैश्विक तापमान। वर्ष 2017 में अल नीनो के प्रभाव के बिना ही तापमान में हुई थी बढ़ोतरी।